ये है बासुकी ना। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं जी? तो जैसे मैं बता रहा था बेल कांटे से बैठाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बेल का कांटा कब बनाया गया है यहाँ। अभी जिसमें आग पूरा उबल रहा है देखिए, इसको पकड़ाया जाएगा, सभी के हाथ में देंगे और सभी देखिए उबल रहा है नीचे से, ऐसे पकड़ के सब एक दूसरे के हाथों में देंगे ऐसे। अरे भारी खतरनाक वाला है। गाइस वेलकम बैक टू माय नोट। अभी लगभग दोपहर के 3-4 बज चुके हैं। आज हमारा दो दो फेस्टिवल है, एक तो इंडिया और पाकिस्तान का, एक वो अपने आप में ही फेस्टिवल है, मैच है, और सेकंड आज हमारा हाड़ी बाजा शुरू हो गया है। तो अभी अभी जस्ट कुछ ही देर पहले हुआ, तो उसका हम लोग हमारे ओडिया पांजी में तो जैसे 10 दिन का रहता है हाड़ी बाजा, जिस दिन से स्टार्ट होता है लास्ट के मतलब लास्ट होते होते 10 दिन। तो हमने यहाँ पे देखिए हमारे दुर्गा माता का बुलावा हम लोग करते हैं ऐसे चिन्ह बना के, तो कई जगह में एक यहाँ हो गया, एक हमारे सीढ़ी के पास भी, एक यहाँ दरवाजा के पास भी, और यहाँ पे हमारे तुलसी माता के अगल बगल में भी, मतलब दरवाजा दरवाजा में। तो चलिए फटाफट अब आपको हाड़ी बाजा दिखाने लेके चलता हूँ, वहाँ भी बहुत कुछ डिटेल से वहीं बताऊंगा। आप चावल और क्या क्या लगता है मम्मी? नारियल और चावल। चावल को पूरा चढ़ाना है की? हाँ चलिए इसको लेके चलेंगे। हाँ ये पूरा चौथी संग चढ़े भी की ऐसे निकाल के, बस ऐसे चढ़ा इसको निकाल के ऐसे करना है कि चौथी पूरा ये दोनों संग है क्या? उसको निकाल देना ऐसे, पकड़ा देना ऐसे। ये हमारे अंजू सिस्टर लोग के यहाँ होता है, तो हमारा जो कुठी घर बनाए हैं वो जस्ट पीछे है, तो चलिए इधर चलते हैं। जय हो प्रभु। अलेख महाप्रभु। तो गाइस चलिए अभी अभी शुरू हुआ है, अभी तो बन रहा है बोलिए। तो यहाँ देखिए बनाया गया है, इनका नाम दिया गया है बावड़ा भीमो और तुलसी कन्या है इनका, और यहाँ जस्ट बगल में बन रहा है इनका, क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए जी। नहीं तो अभी ठहरो ना। अच्छा बाद में नामकरण करेंगे। ठीक 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 चलिए। और यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ देखिए, और यहाँ तो हाड़ी बाजा लगभग कितना टाइम स्टार्ट? ठीक ठीक बाजा कितना टाइम स्टार्ट होगा लगभग? 15-20 मिनट, 4:30-5 बजे होगा, थोड़ा देरी में। ठीक ठीक तो आपको दिखाएंगे ये जो धनुष है, इसी का सुर में मतलब इसी से धुन निकलता है, उसके बाद उसी में फिर अपना जितना भी यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जिनको सवार होती है हमारी माता, फिर वो लोग वो करेंगे, आपको दिखाएंगे उसके बाद। यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं जी? ये क्या बना रही है? ये 16 खंड। 16 खंड? अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ जितने भी देवी देवताएं हैं उन्हीं के रहने के लिए घर है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बोलेंगे इसको? नौखंड जहाज। तो चलिए विमान है, विमान। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरते हैं यहाँ से वहाँ, वैसे हमारे सभी देवी देवताओं के लिए यही जहाज। यहाँ पे देखिए खंड खंड 16 खंड यहाँ पे बनाया गया है, और ये उनका जहाज है, सबसे सामने जहाज और उसके पीछे घर। तो यहाँ पे कुछ कुछ बन रहा है, अभी बनने के बाद आपको दिखाएंगे। जैसे माँ दुर्गा का मन सवार ये है। हाँ 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 वैसे ही। ये है बासुकी नाग। कौन सा? ये नाग साहब। अच्छा नाग वाला। और ये अभी बना रहे हैं, ये कौन सा नाव है? अच्छा अच्छा बन रहा है अभी, तो बन रहा है अभी, नहीं बना है। ठीक ठीक बनने दो। ये नाव है। और ये कौन सा है? ये महानीम पेड़। ठीक ठीक ठीक। और उधर वो कार्य अधूरा है, वो बन रहा है कुछ कुछ। ठीक ठीक। पूजा करने के लिए बना रहे हैं, दिन भरेंगे उसके बाद। ठीक ठीक। लगभग आधा आधा घंटा लगभग में हो जाएगा कम? नहीं होगा आज, नहीं होगा। इस दीवार में भी पूरा करेंगे ना? इस दीवार में भरेंगे, वहाँ भरेंगे, इधर भरेंगे।
हनुमान जी का भी बनवा बनवा। देखिए एक से कलाकार बैठे तो हैं यहाँ। समलई ये क्या डिजाइन बना रहे हैं? नीचे का कपड़ा साड़ी का कपड़ा बना रहा है, घाघरा चुन्नी। हाँ। अच्छा फाइनली यहाँ पे दो बन के रेडी है। देखिए यहाँ पे मोंगड़ा देवी और यहाँ पे कड़िका, दोनों देवी है ना? ठीक ठीक ठीक। वहाँ बावड़ा भीम और पुरुष में कौन है और इनका नाम जी? ये है अभी। हाँ। इसको जो भी लगा दो, नारद मुनि लगा दो, नारद बना देंगे। हाँ। चलिए हमारे नारद जी भी यहाँ बन के रेडी। चलिए यहाँ पे देखिए ढेव रंग है ना। हाँ। चलिए मेन मुख्य हमारा दुर्गा में मुख्य काम ढेव का ही होता है इसमें। और जो चलता है कांटा वाटा में बैठने वाला, आज करेंगे? आज भी करेंगे। करेंगे? हाँ। कितने टाइम? वही पूजा के बाद में अभी। तो गाइस आपको दिखाएंगे कांटेदार लोहे का कांटा। हाँ, लोहे का कांटा, बेल का कांटा, उसमें बैठते हैं। बैठते हैं तो अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी वही पूजा पाठ वगैरह और बना रहे हैं कुछ कुछ कलाकृति अपना। देखिए उसके बाद चलिए शाम रात को होगा ना वो तो? हाँ रात को होगा, अभी अभी भी होगा 5 बजे। 5 बजे तो फिलहाल इनको देते हैं हम बनाने, उसके बाद दिखाएंगे आगे का। गाइस यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको राई रतन हंडी बोलते हैं, इन्हीं का मेन पूजा होता है यहाँ पे। तो देखिए जितना भी यहाँ पे आरती चंदन वगैरह किया गया है सब इन्हीं के लिए, और अपना जो भी नारियल वगैरह देखिए यहाँ पे चढ़ाया गया है, वही बोलते हैं ना राई रतन हंडी। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे मैं बता रहा था बेल कांटे से बैठाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बेल का कांटा का बनाया गया है यहाँ, ये है ये, और वो लोहे का है, दिखाइए तो उसको। अरे बारी खतरनाक वाला है, ये कोड़ा है। अच्छा है ना कुर्रा। इसको नया बनाया है कि पिछले साल का है? ये तो पर साल का है, नया पूजा में करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है खंडा। हाँ इसमें भी पूरा धार वार है। तो गाइस देख सकते हैं इसमें बैठाया जाता है और उनके ऊपर देवी माँ सवार रहती है, तो उनको पता नहीं चलता है कुछ भी करे उनको। तो आपको दिखाएंगे आगे का, और इसमें मतलब जितना भी उनके शरीर में पड़ने पर भी उनको मतलब पता नहीं चलता है। ये देखिए यहाँ पे काफी सारा है, अभी तो आएंगे दिखाएंगे। और ये तलवार है और यहाँ पे बेल का कांटा है, इसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए बस एक ही ठो है ना? हाँ अभी एक ही ठो है, और नया कोड़ा है वो। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे राई रतन हंडी के बारे में बता दिए और वहाँ पे कांटा वगैरह, और यहाँ पे मेन जो मुख्य यहाँ पे देखिए ये खप्पर, खप्पर देवी लोगों का नहीं, पूरा नाम क्या बोले इसका? खप्पर ही बोलेंगे ना। हाँ। खप्पर। तो ये अभी तो कम जल रहा है, जब यहाँ पे स्टार्ट होगा उसके बाद ये पूरा जलते रहेगा, और फिर जितने भी यहाँ पे झुपर्रा वाले रहेंगे उनके हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो पूरा नीचे से ऐसे तपते रहता है ये, पूरा आग जलते रहता है और ऐसे पकड़ के एक दूसरे को लोग देते हैं, तो उसको भी आपको दिखाएंगे, अभी तो चालू हुआ नहीं है बोलिए। तो बहुत ही मजेदार रहता है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने ही रहेगा हमारे साथ। तो फिलहाल तो अभी सब तैयारी ही चल रहा है यहाँ, देखिए एक यहाँ पे और भी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ बनाया जा रहा है हाथी, इधर का तो सारा बन चुका है और एक नया बना है, इसको मैं आपको दिखाना भूल गया था। ये है नाव और ये है नाव के क्या बोलेंगे जी इसको? डोंगेत बोलते हैं ना हमारे, मतलब हमारे समाज में डोंगेत बोलते हैं। डोंगा चलाने वाला। अच्छा डोंगा चलाने वाला, डोंगा के मालिक। और गाइस आप लोग को लग रहा होगा कि इन लोग को क्यों बनाया जा रहा है, इसका भी एक विशेष कारण है, हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, मतलब इनका जो कलाकृति यहाँ पे बना के इनका पूजा किया जाता है, तो वो चलन आज भी हम लोग चलाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसीलिए मूर्ति वगैरह अपना बना के हम लोग फिर पूजा करते हैं, उसके बाद यहाँ का जो भी पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। चलिए हमारे सूर्य देवता का भी यहाँ पे बना दिया गया है, देखिए। चलिए अभी पूजा प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए देखिए यहाँ पे, यहाँ जितने भी देवी देवताएं देख रहे होंगे उन्हीं का ये पुस्तक है, इसको मंगला तुस्ती बोलते हैं ना, श्री मंगला तुस्ती, श्री मंगला तुस्ती सॉरी। तो यहाँ पे देखिए अब इसका कथा प्रारंभ होगा, और यहाँ पे हमारे कमान संभाल रहे हैं आज हमारे बोड़ू, यहाँ पे बड़े पापा हैं, उन्हीं के सुर से अभी यहाँ पे छुपर्रा लोग आएंगे,
फिर दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ बन रहा है हाथी। चलिए पूजा प्रारंभ होगा अभी। और गाइस एक चीज बताना चाहूंगा, पहले हमारे पूर्वजों के टाइम में मतलब यहाँ बलि के रूप में बकरा को चढ़ाया जाता था, तो अभी उसको बंद कर दिया गया है, तो उसके जगह में यहाँ पे इसको गेडरा बोलते हैं, गेडरा इसका बलि दिया जाएगा, तो उसी का अभी पूजा के रूप में वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे हमारे एक बड़े पापा वहाँ पे पूजा प्रारंभ करेंगे, उसके बाद इनका चढ़ाएंगे वहाँ पे बलि। कौन करेगा? कालिका। का चीज उसको काटेगा? कालिका काटेगा। जितने भी पुरुष लोग आते हैं सब इस साइड बैठते हैं, और महिलाओं के लिए स्पेशल दूसरा उनके लिए छोर मतलब जगह दिया गया है। तो जैसे अभी तो आए नहीं है, बोलिए जैसे ही इधर आते हैं तो इधर से सीधा ऐसे आके यहाँ पे बैठने के लिए उनके लिए व्यवस्था बनाया गया है। तो फिलहाल अभी तो ज़्यादा छुपर्रा आए नहीं है, दो तीन लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं इनमें, तो अचानक जिनको सवार होता है फिर तुरंत वो लोग आ जाते हैं उठ के। तो अभी जिसको जिसको सवार है माता रानी उन्हीं लोग ही हैं बस, अभी मतलब उन्हीं लोग कर रहे हैं, बाकी है अभी जैसे ही मतलब पूजा पाठ अभी और थोड़ा सा लीन होने लगेंगे, जिस जिन लोग को चढ़ता है वो लोग थोड़ा लीन हो जाएंगे, उसके बाद सब लोग यहाँ पे भीड़ बढ़ता ही जाएगा। तो आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो के इन तक बने ही रहिएगा। और ये जो दो झुकर्रा दिख रहे होंगे ये हमारे ही गांव से हैं, और कुछ बाहर से भी आए हैं, काला साइड से भी आए हैं ऐसे बता रहे थे एक भैया। चलिए देखते हैं, अभी तो पूजा प्रारंभ हुआ है। और गाइस ये हमारे सूफा जी अक्सर हमारे ब्लॉग में आते रहते हैं, इनको भी माता रानी सवार होती है, तो देखिए जैसे ही बाजा का आवाज सुने तुरंत सवार हो गए माता रानी। कई लोग को देखने में ये मजाक भी लग रहा होगा, पर जिन लोग ने मजाक उड़ाया वो लोग क्या बोलना चाहिए कि उनका कुछ ना कुछ हानि होता है, इसलिए कभी भी इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक था, वैसे नाम नहीं लूंगा, वो बोलता था इन लोग ऐसी नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे वैसे, अचानक उसी के ऊपर देवी बस सवार हो गई और ऐसा फेंका उसका शरीर को पूरा, वो बैलेंस कर नहीं पाया, फिर उसको पकड़े बहुत मुश्किल से पकड़े, उसके बाद
वो फिर उसी दिन से मानने लगा कि भाई चलो ये वास्तविकता है, इसे हम झूठा इसको साबित नहीं करना चाहिए हमें ना, ये झूठा है। तो जिस दिन से उसको ये सवार हुई माता रानी, उस दिन से वो भी फिर अपना झूपर्रा के रूप में वो भी भरने लगे, उसको भोरवा बोलते हैं हमारे कास्ट में। तो देखिए यहाँ पे और भी आने लगे हैं, सभी लोग हमारे ही गाँव के। एक जो भैया अभी जो देख रहे हैं ये भूता बारिश में, और ये इनको नहीं जान रहा हूँ। पे एक बहुत कम उम्र के युवा है, ये डीले नाम है इनका, अक्सर हमारे ब्लॉग में आते रहते हैं, इनको भी देवी माँ सवार होती है। देखिए यहाँ पे ये भी आ चुके हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे बलि चढ़ाया जा रहा है, उसको आपको दिखाते हैं। और गाइस जैसे कि मैंने बताया था, अभी जिसमें आग पूरा उबल रहा है, देखिए इसको पकड़ाया जाएगा, सभी के हाथ में देंगे, और सभी देखिए उबल रहा है नीचे से, ऐसे पकड़ के सब एक दूसरे के हाथों में देंगे ऐसे। तो फिलहाल तो अभी पूजा होगा, उसके बाद प्रारंभ होगा। तो अभी फिलहाल इस गेडरा का बलि दिया जाएगा, पहले बकरी का देते थे वो बंद कर दिया गया है, इसी का बलि देंगे। Thank you.
Thank you.
चलिए थोड़ा सा विराम दिया गया है, अभी पानी वानी पियेंगे क्योंकि काफी थक गए रहते हैं बाजा बजाने वाले। उसके बाद रात को फिर चालू होगा ना भैया? हाँ, रात को होगा ना, लगभग 7 बजे। लगभग कितना टाइम तक चलेगा आज ये? लगभग 11-12 बजे तक चलेगा। चलेगा ना, शुरुआती है इसलिए लास्ट लास्ट होते होते तो लास्ट दिन तो रात में पूरा रात भर सुबह तक 8-9 बजे तक वही लास्ट रहता है। जो भी मनोकामना मांगता है पूरा होता है, एकदम सबसे बड़ा पूजा उसी को पूजा। चलिए थोड़ा सा अभी विश्राम दिया जा रहा है इनको। गाइस चलिए अब मैं सीधे घर आ गया और हमारा सेकंड फेस्टिवल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो 192 रन चेस करना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो जीत जाएंगे। और कल वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, कलश यात्रा निकलेगा कल, हम दुर्गा बैठा है हमारे गांव में तो उसी का पूजा पाठ, तो बहुत मजा आएगा। वीडियो के एंड तक आप बने ही रहिएगा, कल भी और आज भी पूरा वीडियो को तो आप देख ही लिए होंगे, मजा आया होगा आपको। तो इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल।